कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल पाना आसान हो जाता है। इसी कहावत को सिद्ध कर रहे हैं इंग्लैंड के रग्बी खिलाड़ी लुक ग्रैंडफुलसॉ, जो कैंसर पीड़ित होते हुए भी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल द्वारा पूरे विश्व की यात्रा पर निकले हैं। लुक ग्रैंडफुलसॉ अपने शहर ब्रिस्टल के नाम से यात्रा का नाम ब्रिस्टल टू बीजिंग रखा है। इस माह तक वे 27 देशों के रास्ते 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर पाकिस्तान के बाद भारत पहुंचे हैं। मंगलवार को लुक ग्रैंडफुल बिहार के नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर देखा। उसके बाद वह कोलकाता के लिए निकल गए। उसी रास्ते से वह चीन जाएंगे, जहां उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। भारत में उनका साथ देने के लिए कोलकाता से अन्य 3 युवाओं ने भी साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया। लुक ग्रैंडफुल ने बताया कि 24 साल के उम्र में ही उन्हें पता चला था कि उन्हें कैंसर हो गया है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन से निराश नहीं होते हुए साइकिलिंग कर पूरे देश की यात्रा करने का मन बनाया। धीरे धीरे कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया, बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। वह अब तक ब्रिस्टल से लेकर तुर्की, उज्बेकिस्तान सहित पाकिस्तान के रास्ते बाघा बॉर्डर पार करते हुए इंडिया पहुंचे। भारत के कई शहरों के रास्ते आज हुआ नालंदा पर। So I've been through Amritsar, Ludhiana, Delhi, Agra, Gwalior, Varanasi, Patna, yeah, and now here I'm going on to Kolkata and then Assam. उन्होंने बताया कि इस यात्रा से जो भी राशि इकट्ठा होगी उसे कैंसर अस्पताल में दान देंगे। उनके साथ चल रहे कोलकाता के युवक ने बताया कि कैंसर जैसे रोग से पीड़ित होने के बावजूद इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।